दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ख़राब एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो आप हमारे पास देख सकते हैं, ये दो एलईडी बल्ब है जो नहीं जलता है और ये ख़राब है। तो आज के इस वीडियो में हम इस दो एलईडी बल्ब को रिपेयर करके बताने वाला हूँ, इन दो एलईडी बल्ब को एक तार के मदद से रिपेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दे, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बल्ब को रिपेयर करने के लिए 220 वोल्ट एसी की ज़रूरत होगी। सबसे पहले देखें कि यह एलईडी बल्ब जल रहा है कि नहीं। तो देखते हैं जलता है कि नहीं। दोस्तों, ये जो एलईडी बल्ब है नहीं जल रहा है। इसके बाद हम दूसरी एलईडी बल्ब लेंगे। तो चलिए इसे हम लगाकर देखते हैं कि जलता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यह हमारी एलईडी बल्ब नहीं जल रही है। इस दो एलईडी बल्ब को रिपेयर करके देखेंगे एक वायर की मदद से। तो देखिए, ऐसा एक वायर लेंगे। इस एलईडी बल्ब के जो वाइट कवर है इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसका सर्किट है जो आप देख रहे हैं, इनमें 220 वोल्ट एसी करंट देते हैं। अब इस वायर को लेंगे जो हमने बनाया है, आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इस वायर को लेने के बाद यह सर्किट जो आपको दिख रहा है, ब्लैक और वाइट वायर को शॉर्ट करके हमें देखना है। तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह सर्किट में स्पार्क क्रिएट हुआ है। तो यह हमारा सर्किट सही है। अगर स्पार्क क्रिएट नहीं हुआ तो यह सर्किट ख़राब है। अब हम इस एलईडी बल्ब को शॉर्ट करके देखेंगे। एक वायर लेंगे और इस एलईडी को शॉर्ट करके देखेंगे। ऐसे एक एक एलईडी को शॉर्ट करके देखेंगे। खराब फ्यूज एलईडी को शॉर्ट करने पर पूरा एलईडी ग्लो नहीं करेगा। देखिए, ये हमारा एलईडी ख़राब है। देखिए, इसे शॉर्ट करने पर सारा एलईडी ग्लो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा एक जम्पर वायर लेंगे। आप जम्पर वायर से भी सोल्डिंग कर सकते हैं और आप ऐसे डायरेक्ट भी सोल्डिंग कर सकते हैं। तो हम इसमें से एक जम्पर वायर निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें से एक वायर निकाल लिए हैं। अब हम इसके दोनों सिरे पर पेस्ट लगा लेंगे। तो पेस्ट लगा लेते हैं। और पेस्ट लगाने के बाद
हम इसके इस एलईडी बल्ब के दोनों सिरे पर हम सोल्डिंग कर देंगे। तो चलिए सोल्डिंग कर लेते हैं। इसके दोनों छोर पर सोल्डिंग वायर लगा लेंगे। अब हम एलईडी बल्ब के दोनों सिरे पर सोल्डिंग कर देंगे कि ये जम्पर वायर से हम जम्पर वायर के दोनों सिरे पर थोड़ा सोल्डिंग कर लेंगे ताकि वहाँ एलईडी बल्ब पर आसानी से सोल्डिंग हो जाएगा। तो हम इस वायर से एलईडी के दोनों एंड पर सोल्डिंग कर देंगे। तो सोल्डिंग चलिए करते हैं। एलईडी बल्ब को आप आसानी से घर पर रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए सोल्डिंग करते हैं। तो दोस्तों यह आसानी से और अच्छे से लग गया है। तो हम इसे अब जलाकर देखते हैं। चलिए करंट देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है। तो यह हमारा एलईडी बल्ब ठीक हो गया। अब हम दूसरे बल्ब को रिपेयर करते हैं। देखिए इसका पूरा एलईडी बल्ब ख़राब हो गया है। तो हम इस एलईडी बल्ब को हम चेंज कर देंगे। देखिए दोस्तों एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इस एलईडी पर लगे स्क्रू को हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए उस स्क्रू को निकालते हैं। देखिए हमने सारा स्क्रू एलईडी बल्ब का निकाल लिए हैं। अब चलिए इसे हम इसके वायर को डीसोल्डिंग कर लेते हैं। चलिए डीसोल्डिंग कर लेते हैं। ये ब्लैक वायर को भी डीसोल्डिंग कर लेते हैं। अब आप अपने असेंबली किट को चेंज कर लीजिएगा फिर आपका एलईडी बल्ब ग्लो करने लगेगा।